नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2017 के आदेशों में संशोधन से इनकार, हर प्रभावित परिवार को मिलेंगे 60 लाख रुपए। INS निपुण और INS निस्तार आज लॉन्च, 1971 में गाजी को पाताल से खोद निकाला था। तुर्की ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत ने दबा दी कमजोर नस, विदेश मंत्री के सवाल पर सादली चुप्पी। जो बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, वीटो पावर को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, गहलोत के सीएम पद पर संकट, होने वाले नए प्रमुख को राहुल ने दे डाली नसीहत। जिस पीएफआई पर हत्या, हिंसा से लेकर जबरन धर्मांतरण कराने तक का आरोप, NIA ने PFI के ठिकानों पर डाली रेड, कहा जिस पर है हत्या, हिंसा से लेकर जबरन धर्मांतरण करने तक के कई आरोप। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने खर्च किए 340 करोड़ रुपए, कांग्रेस भी कम नहीं। कर्नाटक हिजाब बैन विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दी गई थी याचिका। वहीं अब राहुल को मनाने की कोशिश करेंगे अशोक गहलोत, नहीं माने तो भर देंगे नामांकन। भाजपा विरोधी दलों को बुलावा, 25 दिसंबर को इनेलो की विशाल रैली, शरद पवार नीतीश समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। पीएफआई पर रेड को लेकर अमित शाह ने की बैठक, NSA गृह सचिव समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। हैदराबाद में तीसरे टी ट्वेंटी के टिकट को लेकर उमड़ी भीड़, भगदड़ मचने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गृह मंत्री अमित शाह को बिहार आने के लिए लालू जी नीतीश जी से वीजा लेना पड़ेगा क्या, रविशंकर प्रसाद ने उठाया सवाल। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर तकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल स्थगित। वहीं भागवत ने की चीफ इमाम इलियासी से मुलाकात, दिल्ली की मस्जिद पहुंचे संघ प्रमुख। काठमांडू में पाक खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट की नृशंस हत्या, भारत में भेजता था जाली नोट। आगरा समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश, शहरों में जन सैलाब, देहात में फसलें बर्बाद। हरमनप्रीत के शतक से जीता भारत, इंग्लैंड की महिला टीम को 88 रन से हराया, 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। ईडी ने ABC CPR की 2748 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, बैंक खाते भी खंगाले गए। वहीं रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर, फेड के निर्णय के बाद 80.45 के लेवल पर पहुंचा। स्पाइस जेट ने पायलट्स की तनख्वाह 20% बढ़ाई, अक्टूबर महीने से लागू होगा फैसला। वहीं नए टेलीकॉम बिल का ड्रॉप्ड पेस, इंटरनेट आधारित सेवाओं को रेगुलेट करना है मकसद। वहीं पेड़ के निर्णय के बाद बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 400 अंक लुट का निफ्टी 17,600 पर। पश्चिमी यूपी में मौसम हुआ मेहरबान, 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। डोभाल का तीर चलते ही उठ गया पर्दा, आतंकी फंडिंग पर वॉर के साथ होगा हिजाब और दंगों का हिसाब। वहीं शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर तकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक स्थगित। भाजपा के अगले अध्यक्ष पद की पसंद को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज। कोरोना की दैनिक संक्रमण दर 1.61% पर पहुंची, केरल में फिर से 12 मौतें। स्पाइस जेट की 50% उड़ान पर पाबंदी बढ़ी, केंद्रीय पुलिस बलों के 3 सम्मान निरस्त। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई में बड़ी जीत,
झारखंड में वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई में बड़ी जीत, झारखंड का बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त, रसद लेकर पहुंचे जवान। ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास के लिए कटेंगे 8.5 लाख पेड़, केंद्रीय वन मंत्रालय ने दी सहमति। अरुणाचल के लापता पर्वतारोही, करीब एक महीने तक चले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए भूमि आवंटन श्रेणी में बदलाव को मंजूरी दी, 14 दलों को होगा फायदा। उद्धव ठाकरे से मिले गौतम अडानी, पूर्व सीएम और एकनाथ शिंदे ने एक दूसरे को घेरा। भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाए पोस्टर के बीच दिखी सावरकर की तस्वीर, स्थानीय कांग्रेस नेता निलंबित। एनएससीएन ने नगा मुद्दे पर केंद्र सरकार से की बातचीत, पीएम मोदी से मिलने का किया अनुरोध। गुजरात में एक साल में 6,500 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त, 750 लोगों को भेजा गया जेल। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के लिए गाया गाना, महालय पर होगा रिलीज। जगन मोहन रेड्डी के पार्टी का स्थायी अध्यक्ष चुने जाने की खबर, चुनाव आयोग ने दी सख्त हिदायत। बंगाल में अर्पिता के यहां से 7 देशों की विदेशी मुद्राएं भी मिली, ईडी के आरोप पत्र में दावा। ममता ने किया अलीपुर इंडिपेंडेंस म्यूजियम का उद्घाटन, बोली देश का इतिहास बदलने की कोशिश जारी। तेलंगाना में टीआरएस नेता की गुंडागर्दी, टोल शुल्क मांगने पर कर्मचारियों को पीटा, तोड़फोड़ की। राहुल बोले ग्रह पर दूसरा सबसे अमीर आदमी भारत से नोटबंदी और जीएसटी पर सरकार को घेरा। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों से नहीं मिलेगी जमानत, सदन में पेश किया गया विधायक। यूपी में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों से नहीं मिलेगी जमानत, सदन में पेश किया गया विधेयक। यूपी के सहारनपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, खनन माफिया हाजी इकबाल की 200 करोड़ की संपत्ति सीज। लंबित मांगों के समर्थन में गर्जे अस्थायी कर्मी, भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पंजाब सरकार ने फिर बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, गवर्नर के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सीबीआई से जांच कराने की मांग। हरियाणा में जिला परिषद और ब्लॉक समिति में नए सिरे से आरक्षण तय, महिलाओं के लिए सम विषम के आधार पर तय होगी सीटें। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गोरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अगली तारीख 29 सितंबर। वहीं झारखंड में सीआरपीएफ जवान की रांची के अस्पताल में मौत, नक्सलियों से मुठभेड़ में हुए थे घायल। नीतीश अब आश्रम खोल ले, राजद नेता के बयान पर महागठबंधन में रार, जेडीयू की दो टूक। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस से 100 से ज्यादा मवेशियों की मौत, सीएम बोले हमें अपने पशुधन को बचाने में लड़नी होगी लड़ाई। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।